बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस शहजाद अल्टीमेट टेस्टी किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे मेथी आलू की सब्ज़ी। आपको पता है मेथी तो बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, कहते हैं कि अगर इसकी अफादियत लोगों को पता चल जाए तो ये सोने के भाव मार्केट में बिके, तो लेकिन लोग बहुत कम कम बनाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ पहले चीज़ें, फिर शुरू करते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की बनेगी। ये मैंने दो मीडियम प्याज लेके बारीक चॉप कर लिए हैं ऑमलेट वाले स्टाइल में। ये एक कप मैंने टोमेटो प्यूरी जो मैंने आपको बनाना सिखाई थी, और ये एक टेबलस्पून अदरक, एक टेबलस्पून लहसुन, ये एक टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1.5 टीस्पून मिर्चों का पाउडर। और ये तकरीबन 5 मीडियम आलू थे, उन्हें मैंने जो है छोटे साइज़ में क्यूब्स में काट लिए और नमक वाले पानी में रख लिए। और ये मेथी है, इसे मैंने अच्छी तरह पत्ते पत्ते अलग करके और खुले पानी से मैंने इसे वॉश कर लिए, क्योंकि आपको पता है पत्तों वाली सब्ज़ी में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और ये तकरीबन होगी कोई केजी के करीब, साफ़ करने के बाद ये पत्ते जो हैं 1 केजी के करीब होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने हाफ कप के करीब घी गरम करने के लिए रखा है। ये सब्ज़ी घी में मज़े की बनती है। अब ये प्याजों को मैं लाइट पिंक सा कलर दूंगी, हम इसे डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। अब ये देखिए अच्छा सा पिंक सा कलर आ गया, बस अब हम इसमें लहसुन और अदरक मिलाएंगे। अब ये हम इसमें सारे मसाले मिला देंगे। मसाले मिला के साथ ही हम 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे ताकि मसाले गले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हम टमाटर प्यूरी मिलाएंगे और इस मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। अब ये इसमें आलू मिला के थोड़ी देर आलू को भून लेंगे अच्छी तरह। अब ये आलू जो है वो मैंने अच्छे से भून ली। अब मैं इसमें ये मेथी शामिल कर दूँगी। इसमें मेथी शामिल करके, और ये तकरीबन हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा दूध है। अक्सर लोग कहते हैं कि मेथी जो है वो थोड़ी कड़वी बनती है, तो आप दूध डाल दें तो फिर जो है ना वो उसकी कड़वाहट में होगी। बस अब मैं इसे मिक्स करूँगी और मैं इसे दम पे लगाती हूँ, उसमें जो है हमारे आलू भी गल जाएंगे। और मेथी ने जो है ना पानी काफ़ी छोड़ दिया था, फिर अब मैंने उसे कुछ तेज़ आंच करके, तो अब मैं इसको भी, क्योंकि आलू भी गल गए हैं, अब मैं तेज़ आंच पर उसे कुछ कर लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी ये मेथी बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे सर्व कैसे करना है। ये व्यूअर्स, गरम गरम इसके ऊपर हमने 1 टेबलस्पून बटर लगा दिया और थोड़ी सी क्रीम,
और हम इसे आप भी इस तरीके से बनाइएगा। मुझे उम्मीद है जो कहते हैं कि हम मेथी नहीं खाते वो भी मेथी खाने लग जाएंगे, क्योंकि ये इतनी मज़े की बनती है और बिल्कुल इसमें वो कड़वाहट नहीं है। आप सेम इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।